अब बारे मेरा मुंह से कहना ठीक नहीं है, अब ये मंत्री जी बयान दे रहे हैं, इस हिसाब से तो और किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये मंत्री जी और जिसको ये ठीक समझते हैं, यही काफी है सरकार वापस लाने में, बाकी की जरूरत शायद लग नहीं रही है। पर मैं समझता हूं कि जब तक सब मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सब मिलकर के चुनाव कब लड़ेंगे, सब मिलकर के चुनाव जब लड़ेंगे जब सबको बराबर इज्जत मिलेगी, बराबर महत्व मिलेगा, बराबर उनका आदर होगा। आप दूसरों को अगर सब की दृष्टि से देखो, उनको द्वयम तरह का पार्टी का सदस्य समझो, उनसे आप छुआछूत करो, अछूत समझो, तो फिर नहीं, मुझे तो ठीक नहीं लगता है अगर ऐसा कोई भी सोचता करता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। एक तब तो राहुल गांधी का इतना बड़ा मामला है, कांग्रेस पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतर रही है, ऐसे में इस तरीके का बयान देना क्या लगता है पार्टी के हित में है? अब ये इन्होंने ऐसा आज जो बयान दिया है, मैं तो इनके बयान सुनकर के हैरान हूँ। ऐसा बयान इन्होंने दिया, इसके पीछे इनका क्या मकसद है, क्या इनकी मंशा है? ये कह रहे हैं कांग्रेस में रहना है तो रहो, तो कांग्रेस में रहना या नहीं रहना आप तय करोगे क्या? मंत्री जी तय करेंगे, रामलाल जी क्या? कांग्रेस इनकी है क्या? हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं क्या? हमारे बाप दादे जब से समझने लगे ये प्रजातंत्र कायम, तब से कांग्रेस के सिवाय कभी कुछ सोचा नहीं। इंदिरा जी जब कांग्रेस से अलग हुई थी ना, जब हम जेल में गए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर जो 52 से लेके कांग्रेस के लाभ उठाया वो सब खिसक गए थे, हम लोग इंदिरा जी के टाइम में जेल गए थे, और फिर बाद में कांग्रेस ने हमारे को जब भी आदेश दिया हमने उस आदेश की पालना की। 1980 में मेरे को आदेश दिया कि आपको गुड़ा मालन से चुनाव लड़ना, और मेरा गुड़ा मालन से कोई वास्ता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, न मुझे कोई जानता, फिर भी पार्टी का आदेश था कि आपको लड़ना पड़ेगा। गंगाराम जी जैसे महान किसानों के मसीहा, उनके सामने मेरे को पार्टी ने आदेश दे दिया, फिर भी मैंने पार्टी के आदेश को माना, मैंने मना भी किया, लेकिन आखिरी पार्टी ने कहा नहीं आपको आदेश हमारा मानना पड़ेगा, मान करके चुनाव लड़ा। और अब पूरी लंबी सारी बात बताने की जरूरत नहीं, जब जब भी पार्टी ने जो आदेश दिया, मैंने कभी पार्टी से न एमएलए का टिकट मांगा, न कभी मंत्री पद मांगा, न कभी नेता प्रतिपक्ष मांगा, जो जिम्मेदारी दी उसको ईमानदारी से निभाई। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया तो मैंने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए टिकटों को देने का जब निर्णय की बात होती थी, उस समय मैं एक ही चीज देखता था कि कौन सा उम्मीदवार जीत के आ सकता है, उसको उम्मीदवार बनाया जाए, तो उसको बनाया, ये नहीं देखा कि ये चुनाव जीतने के बाद में किसके साथ रहेगा, किसको मुख्यमंत्री बनेगा, किसके पक्ष में रहेगा, किसके खिलाफ बनेगा, क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ में था ही नहीं, इसलिए मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं। क्यों लगता है कि बार बार पायलट साहब इनके निशाने पर आ रहे हैं अभी हाल ही के दिनों में, जिस तरीके से रामलाल जाट ने दूसरी बार ऐसा बयान दिया, उनको नसीहत दे रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से करें जिससे कि ये कांग्रेस छोड़ के चले जाए और फिर हम ही कांग्रेस के धनी बने रहे। तो कांग्रेस छोड़ के न पायलट साहब जाने वाले हैं, न हेमाराम जाने वाला है, हमारे खून में कांग्रेस है, और ये तो पहले मंत्री थे, एक बार इनको हटाया गया था, क्यों हटाया गया था, क्यों हटाया गया उसका पहले बता दे, कोई तो कारण होगा। अब हमको नसीहत दे रहे हैं इनको, ये हमको नसीहत देना बंद करे और खुद ही अपने ठीक ढंग से चले जिससे कि कांग्रेस वापस आए। ये जो है सर, इसलिए ये इस तरह कुछ लोग मिल करके कोई चौकड़ी बना ले, एक चौकड़ी से न तो सरकार कांग्रेस मजबूत होगी, न वापस सरकार आने की कोई गुंजाइश रहेगी। इसलिए इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे बयानबाजी बंद कर दें, सबको साथ लेकर के जोड़ने की कोशिश में लग जाएं, और जिससे कि वापस 23 में कांग्रेस आए, उस और आप बढ़े, उस तरह के आप बयान दें, उस तरह की आप भाषा बोलें।